Hello friends, welcome back to digital class of LBS 2. I hope everybody you are fine. My dear friend, in last video I have explained you concrete noun. In this video I am going to explain you abstract noun and material noun. My dear friend, I have written definition of abstract noun and material noun. Look here, abstract means what? Means bhavachak noun. This I am getting. Abstract noun is the name of thing. Okay? Abstract noun. Bhavachak naming aisa naam hai. An abstract noun is the name of a thing that we cannot see. Hum dekh nahi sakte. An abstract noun is the name of a thing that we cannot see and touch. We can't see. And we can't touch it. इसका पहले जो मैंने कंक्रीट बताया था, कंक्रीट में क्या होता है, हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, ऐसे जो नाउन होते हैं उसको कंक्रीट नाउन कहा जाता है. लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ थिंग दैट वी कैन नॉट सी. हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते. ओके, इट इज समथिंग दैट वी कैन थिंक. हम सोच सकते हैं, सुन सकते हैं और फील कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अभी देखो यहां पर लव. लव इज अ फीलिंग. लव क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन. इसको कोई फिजिकल बॉडी है क्या? नहीं. पीस, सेम. काइंडनेस, काइंडनेस को भी कोई है क्या फिजिकल बॉडी? हम देख सकते हैं क्या? उसको छू सकते हैं क्या? नहीं. चाइल्डहुड, चाइल्डहुड भी एक क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जांपल है. फियर, डर, इट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ऑनेस्टी, ऑनेस्टी को कोई फिजिकल बॉडी है? नहीं. हैप्पीनेस, नहीं. सो यू हैव टू कॉपी डाउन दिस डेफिनेशन विद दिस एग्जांपल एंड लर्निंग. आ रहा है समझ में? एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ थिंग that we cannot see and touch. ये आपको याद रखना है, ये लिखना है. Okay, this is about abstract noun, bhavvachak noun. Then now material noun. Material noun क्या है? जिसको हम पदार्थवाचक नाम भी कहते हैं. Okay, material noun. Material noun is a material noun is refer to substance. कुछ पदार्थ जो होते हैं, उन पदार्थ को refer करते क्या है? A substance from which things are made up of. Okay, material noun is referred to substance from which things are made of. जैसे चीजें बनती हैं, जैसे देखो कॉटन है. कॉटन क्या है? ये मटेरियल नाउन है. कॉटन से क्या बन सकता है? कपड़े बन सकते हैं, है ना. उसके बाद प्लास्टिक है. प्लास्टिक की अलग अलग चीजें बनती हैं. वुड, वुड का तो पता ही आपको, अलग अलग तरह की हम चीजें बना सकते हैं. ग्लास है, ग्लास भी ये मटेरियल नाउन में आता है. मेटल है, मटेरियल. सो दिस इज अबाउट एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन. इन प्रीवियस वीडियो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कॉन्क्रीट नाउन. तो ये सारा आपको लर्न करना है विद एग्जाम्पल एंड प्रॉपर डेफिनेशन. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन व्हाट्सएप मी.